अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर उमर है और जेम कॉलेज की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने जो न्यू एमनेसी स्कीम नक्शे से मुतल्लिक लॉन्च की है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, गाइड करूँगा। और इसमें आपने अप्रूवल कैसे करानी है, आपने फ़ाइन देना है या नहीं देना, ये इंशाल्लाह हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इस एमनेसी स्कीम का बैकग्राउंड बताता हूँ, ये लॉन्च क्यों गई क्यों क्यों की गई है। बहुत सारे कंटोनमेंट बोर्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, बहुत सारे लोगों के पास नक्शा अपने घरों का नहीं है, और इस प्रॉब्लम को देखते हुए कंटोनमेंट बोर्ड ने ये न्यू एमनेसी लॉन्च किया है ताकि लोगों को लीगलाइज किया जाए और टैक्स नेट में लाया जाए। सबसे बड़ा कंटोनमेंट बोर्ड बेनिफिट दे रही है वो फाइन जो है जुर्माना वो वेव्ड ऑफ कर दी है आपके लिए। मसलन जैसे पहले स्टेशन कमांडर जो नक्शा आप अप्रूवल कराने जाते थे तो वो अपनी मर्जी का फाइन लगाता था 2,000 से 2 लाख रुपए तक, तो अब जो है ये फाइन कंटोनमेंट बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नक्शा बनवाएं और लीगलाइज करें अपने आप को। सेकेंड, इसमें जो चीज़ है वो फ़ीस है जो कि बहुत नॉमिनल रखी है बिल्डिंग प्लान की प्रिपरेशन की, और वो फ़ीस है 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज़ आपने पे करने हैं और आपका नक्शा तैयार हो जाएगा। और ये जो आपने नक्शा बनवाना है ये अप्रूव्ड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो कि चकलाला कंटोनमेंट या रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड से रजिस्टर्ड है उनसे आपने ये काम करवाना है। और इसके बाद आपने कोई भी आपका कंटोनमेंट बोर्ड का जो करीबी सेंटर है वहाँ पे अपना नक्शा सबमिट कराना है, और आपको कुछ चालान कॉपीज देंगे, तो 2-3 दिनों में आपका ये जो है प्लान अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।